गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। हम लोग बातें करेंगे कैपिटल गेन की, लास्ट राउंड रिवीजन, क्विक रिवीजन विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने की कोशिश करूंगा मैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। इन केस अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह भी जाता है तो आई विल डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कि किस किस के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए व्हाइल डूइंग योर कैपिटल गेन रिवीजन। क्वेश्चन नंबर वन में हम लोग बातें करेंगे, एक स्पेशल सेक्शन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेक्शन 50C। ठीक है, 50C जब कभी भी असेसी अपनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प वैल्यू से कम बताता है तो 50C वहां पर रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर वन में ही हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जम्पशंस 54F की। ठीक है, 54F की किस तरीके से हम एग्जम्पशन लेंगे, और एक नया प्रोविजन आया है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। आई बिलीव आपको पता होगा कि अगर 1/4/2001 से पुराना लैंड बिल्डिंग एक्वायर किया गया था, तो आपको पता है हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं 1/4/2001 की, अगर वो ज़्यादा हो तो। बट लैंड एंड बिल्डिंग के केस में प्रोविजन यह है कि आप उसको स्टैम्प वैल्यू से भी चेक करेंगे, कहीं वो स्टैम्प वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है, तो हमें वो भी देखना पड़ता है। तो दिस ऑल वी विल डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग बातें करेंगे एग्जम्पशंस की, 54 की एग्जम्पशंस कैसे लेते हैं 54EC के लिए, और साथ साथ में 50C भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पे 50C का भी रोल है, बट मेनली मुझे वो सेक्शन 54 आपको रिवाइज कराना है और 54EC रिवाइज कराना है क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर थ्री स्लम सेल का रहेगा। ठीक है, 50B स्लम सेल में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ऑन एंड ऑफ बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं आता बट आ सकता है स्लम सेल का क्वेश्चन भी, तो अगेन इट विल अगेन रिमेन इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग शेयर्स के बारे में बातें करेंगे, और स्पेसिफिकली मैं बातें करूंगा 112A की। ठीक है, इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स अगर आप बेचते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, तो हम किस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं उसकी बातें करेंगे। बोनस शेयर्स का भी ट्रीटमेंट आएगा, वो भी हम फोर्थ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। कुछ और बातें भी रह जाएंगी जो प्रैक्टिकल इन चार क्वेश्चन में डिस्कस नहीं हो पाएंगी, तो मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इस वीडियो के बाद डिस्कस करना चाहूँगा कि किसके ऊपर आप लोग अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन ऑफ कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर वन सेज अ लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय जॉन ऑन 1/4/1998 से पहले फॉर ₹20 लाख का एक्वायर किया, 80 लाख का इन्होंने बेच दिया 1/6/2020 को, यानी कि हमारे वाले प्रीवियस ईयर 2020-21 में ही सोल्ड द लैंड, कैपिटल गेन आने वाला है। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वॉज 83 लाख। अब देखो 50C भी लग गया है यहाँ पर। 50C क्या कहता है, अगर स्टैम्प वैल्यू ज़्यादा है, आप जो सेलिंग प्राइस बता रहे हैं वो कम है, तो हम स्टैम्प वैल्यू को ले लेते हैं। बट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 10% तक का डिफरेंस अलाउड होता है, तो 10% का डिफरेंस कि अगर विद इन लिमिट आ रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस को ही कंसिडर कर लेंगे। बट अगर डिफरेंस 10% से भी ज़्यादा का है फिर हम स्टैम्प वैल्यू लेते हैं। अब देख लीजिए जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उसका आप 10% ऐड करके देख लीजिए इसमें से, या फिर एक काम करते हैं इसका 110% करके देख लेते हैं, तो 80 लाख का 110% होता है 88 लाख। तो 88 लाख तक अगर स्टैम्प वैल्यू है, 88 लाख या उससे कम है, तो हम 80 लाख को ही ले लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देयर इज द डिफरेंस इज नॉट एक्सीडिंग 10%। देख लीजिए 83 लाख तक तो अलावेबल है ना, क्योंकि 88 तक ही अलाउ था, तो हम इस केस में 80 लाख को ही लेंगे, हम फिर 83 नहीं लेंगे। आगे दिया गया है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन 1/4/2001 वाज 25 लाख। अब देखिए 2001 से पुराना जब एक्वायर किया गया था लैंड, तो 20 लाख इसकी वैल्यू थी, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हम सभी एसेट्स के लिए देखते हैं, अगर वो 1/4/2001 से पुराने एक्वायर किए गए हैं तो उसके लिए हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं। बट वो नया अमेंडमेंट क्या आई है, वो अमेंडमेंट आई है लैंड बिल्डिंग या बोथ के लिए कि इन केस आपको फेयर मार्केट वैल्यू आप ले रहे हैं, कहीं वो स्टैम्प वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है, कि आप उसको प्लीज़ रिस्ट्रिक्ट रखिएगा स्टैम्प वैल्यू तक ही। तो अगर आपको स्टैम्प वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर तो वो प्रोविजन छोड़ दीजिएगा, बट अगर अवेलेबल है, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में वो स्टैम्प वैल्यू भी गिवन है, तो देख लीजिएगा कहीं वो स्टैम्प ये फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा की ना हो, तो मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा ना हो स्टैम्प वैल्यू से। तो इट्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द सेम डेट वॉज 22 लाख। अब देखिए हमें समझ में आया कि एक्चुअल कॉस्ट हमारी 20 लाख थी और फेयर मार्केट वैल्यू 25 लाख थी, तो अभी तक तो हम ये जानते हैं 25 लाख ले लेंगे। ठीक है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो हम 25 लाख ले लेते हैं। अब नया अमेंडमेंट क्या कहती है कि जब आप फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कहीं उसकी स्टैम्प वैल्यू से वो ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर स्टैम्प वैल्यू से ज़्यादा थी वो, तो हम इसको 25 लाख नहीं ले पाएंगे, मैक्सिमम हम स्टैम्प वैल्यू तक ही ले सकते हैं, 22 लाख तक ले सकते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि लैंड एंड बिल्डिंग के लिए जब आप 1/4/2001 की वैल्यू देखें तो फेयर मार्केट वैल्यू के साथ साथ अगर स्टैम्प वैल्यू गिवन है तो इसको भी देख लिया कीजिए। और एक तरीके से मैं ऐसे कह सकता हूँ, सिंपल
टर्म्स में कि विच एवर इज लोअर को ही आप कॉस्ट मानिएगा, विच एवर इज लोअर को ही आप कॉस्ट मानिएगा. ही परचेज्ड हिज फर्स्ट हाउस ऑन 15/12/2020 फॉर रुपीज 70 लाख, डिटरमाइन द कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सच बिल्डिंग. अब देखो ये बात क्यों दी, ही हैज परचेज्ड हिज फर्स्ट हाउस, ये एग्जम्पशन के लिए दिया गया 54F के लिए. 54F में याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंडिविजुअल या HUF को वो एग्जम्पशन मिलती है 54F की, अगर उसके पास पहले से एक से ज्यादा घर ना हो, या तो उसके पास पहले से कोई घर नहीं है, या फिर अगर एक घर है तो उसको 54F की एग्जम्पशन मिल जाएगी. ठीक है, कोई भी एनी लॉन्ग टर्म एसेट वो बेचे एक्सेप्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर इन्होंने लैंड बेचा और घर खरीदा, और घर भी अपना पहला घर खरीदा, ठीक है, ही हैज परचेज्ड हिज फर्स्ट हाउस, तो उस केस में हम 54F की एग्जम्पशन दे देते हैं. 54F की एग्जम्पशन याद है आपको कितनी मिलती है, ठीक है, अमाउंट जितना कैपिटल गेन आया है इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, जितना आपने नया घर खरीदा है या कैपिटल गेन स्कीम में अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अपॉन नेट कंसिडरेशन. ये होती है 54F की, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड एग्जम्पशन है. आई बिलीव आपको याद आ गया होगा. और हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तो गिवन होता है क्वेश्चन में, तो सिंपल करेंगे. सबसे पहले तो कैपिटल गेन निकालने, लैंड बेचने पर कितना आया, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी लेनी, 83 ले लें या 80 अलाउड हो जाएगी, 80 अलाउड हो जाएगी, 10% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है. 80 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन कीजिएगा, 20 लाख तो एक्चुअल कॉस्ट थी, फेयर मार्केट वैल्यू 25 थी, तो इन दोनों से तो आया आंसर 25. बट क्योंकि इसकी स्टैम्प वैल्यू भी दी गई है, नया प्रोविजन है, कहीं फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम 22 लाख को इंडेक्सेशन कर लेंगे. तो देख लीजिएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो 80 लाख ले लिया गया, डिफरेंस 10% से ज़्यादा नहीं था, तो हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस ही अलाउड हो गया. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हम लोग इंडेक्सेशन करेंगे, तो किसका करेंगे, 22 लाख का इंडेक्सेशन करेंगे, और जिस ईयर ट्रांसफर किया, सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाई सी आई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, और क्योंकि 1/4/2001 से पुराना था तो 100 लेना है आपको. मैंने ये बातें नोट में दी, आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे, तो वर्किंग नोट में अगर आप देख लेंगे तो देख लीजिएगा, ये सारी बातें दी गई थी कि फेयर मार्केट वैल्यू लैंड बिल्डिंग के लिए शुड नॉट एक्सीड द स्टैम्प वैल्यू, और 22 लाख का इंडेक्सेशन कर लिया गया, 66.22 लाख आया. तो 80 लाख माइनस दिस अमाउंट, इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वगैरह नहीं थे, तो हमारे पास 13,78,000 का कैपिटल गेन आ रहा है. अब क्योंकि हम एग्जम्पशन 54F की यहाँ पर अलाउड है, ठीक है, इंडिविजुअल हैं, इन्होंने अपने लिए घर खरीदा है, कोई भी लॉन्ग टर्म असेट बेचा है एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस, और रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया है, तो ये 54F की एग्जम्पशन इनको हम दे देंगे. तो एग्जम्पशन 54F की दीजिएगा, जितना कैपिटल गेन आया 13.78 लाख इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, कितने का नया घर खरीदा इन्होंने, 70 लाख रुपीस का, ठीक है, 70 लाख रुपीस का घर खरीदा, डिवाइडेड बाय योर फुल वैल्यू और नेट कंसिडरेशन. नेट कंसिडरेशन कितनी थी, 80 लाख. नेट कंसिडरेशन का मतलब होता है जितनी आपकी कंसिडरेशन आई माइनस एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर. एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर यहाँ पर थे नहीं, तो वो 80 लाख ही ले लिया गया. सो दिस कम्स योर 12,05,750 की एग्जम्पशन मिल गई, तो बाकी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया. ठीक है, तो हमें कैपिटल गेन निकालना था, वो आ चुका है. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. मिसेस मुक्ता बॉट अ वेकेंट लैंड फॉर रुपीज 80 लाख इन May 2004. तो May 2004 में इन्होंने एक लैंड खरीदा. रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसिस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लैंड. आपको पता है कि जब आप परचेस करते हैं और उसके ऊपर कोई एक्सपेंसिस करते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस वगैरह, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करते हैं, तो वो आपकी असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है. तो 10% का खर्चा हुआ, यानी कि 80 लाख प्लस 10% 8 लाख और इसमें ऐड कर दीजिएगा, टोटल 88 लाख इसकी वैल्यू बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी 88 लाख. शी कंस्ट्रक्टेड अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन द सेड लैंड फॉर रुपीज 100 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2006 और 2007. तो एक दो साल के बाद इन्होंने इस पर कंस्ट्रक्शन भी करा लिया, मेनली घर खरीदने के लिए इन्होंने लैंड खरीदा होगा पहले, फिर कंस्ट्रक्शन भी करा दिया. ठीक है, आपको पता है इसको भी हम कॉस्ट का पार्ट बना देंगे 100 लाख को, बट इसकी इंडेक्सेशन जब भी अगर आप बेचेंगे तो इसकी इंडेक्सेशन 2006 और 2007 से कीजिएगा. यहाँ पर लैंड के लिए जब कॉस्ट लेंगे 88 लाख, उसकी 2004 और 2005 से कीजिएगा. She entered into an agreement for sale of the above said residential house with Mr. Karan in April 2015. ठीक है, इन्होंने क्या करा, ये अपना घर आप बेचना चाहते हैं, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया मिस्टर करन के साथ. द सेल कंसिडरेशन वॉज फिक्स एट 700 लाख. 700 लाख, ठीक है, 7 करोड़ का ये घर आप बेचना चाह रहे हैं 2015 में. मिसेज मुक्ता रिसीव 20 लाख एज एडवांस इन द कैश बाय एग्जीक्यूटिंग एन एग्रीमेंट. 20 लाख रुपीज का टोकन मनी मिल गया इनको. However, due to failure on the part of Karan, the said negotiation could not materialize, and hence the said amount of advance was forfeited by Mrs. Mukta.
तो वी अंडरस्टैंड यहाँ पर सेक्शन 51 जो एडवांस मनी फोरफीटेड का होता है, एडवांस मनी फोरफीटेड वाला भी सेक्शन यहाँ पर लग गया। और वो ये कहता है, अगर आपको एडवांस मनी फोरफीटेड वाला सेक्शन याद हो तो ये कहते हैं कि आपने फोरफीट कब किया, 1/4/2014 से पुराना फोरफीचर है या उसके बाद वाला फोरफीचर है। ठीक है, याद है आपको एक डेट 1/4/2014, तो अगर 1/4/2014 के बाद का फोरफीचर है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते थे फिर, तो जिस भी ईयर में ये फोरफीट किया गया एडवांस मनी वो उस साल की IFOS की इनकम बन जाती थी सेक्शन 56 में। ठीक है, 56 इज IFOS, याद आ गया आपको। तो यहाँ पर 2014 के बाद ही आपने ये पैसा 20 लाख रुपीज़ फोरफीट किया है, तो ये तो 2000 जब ये फोरफीचर किया गया था तभी ये इनकम बन जाती है, फिर इसका कुछ नहीं करते हैं, उसी साल ये इनकम बन जाती है IFOS की। बट अगर ये 2014 से पहले फोरफीचर किया होता, इन केस, इस क्वेश्चन में तो नहीं है बट इन केस अगर पहले फोरफीचर किया गया होता तो उस केस में इन द ईयर ऑफ फोरफीचर हम कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं कैलकुलेट करते हैं। बट जब कभी भी आप ये SAC अगर आप इसको बेचते हैं आगे कभी भी, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाता है। बट इस केस में प्लीज कॉस्ट में से रिड्यूस मत कीजिएगा बिकॉज 2014 के बाद का फोर फीचर है, तो 20 लाख का अभी हमें कुछ नहीं करना है, ये पहले से इनकम IFOS की बन चुकी होगी। ठीक है, आगे मिसेस मुक्ता अगेन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन 1/8/2020, ये अब हमारा वाली ईयर आ गया 2020-21 फॉर सेल ऑफ दिस हाउस एट 780 लाख। अब ये 7.8 करोड़ का इसको बेच रही हैं। शी रिसीव्स 80 लाख एज एडवांस बाय कैश पेमेंट। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट वॉज 835। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जब 780 लाख रुपीज़ का एग्रीमेंट किया, 780 लाख रुपीज़ का एग्रीमेंट किया कि मैं इतने में घर ये बेच रहे हैं, 80 लाख रुपीज़ का एडवांस ले लिया, दोबारा से 80 लाख रुपीज़ का एडवांस ले लिया गया। कहीं इसको फोरफीट, अगर इसको भी फोरफीट कर लिया तो ये IFOS की इनकम बनेगी, बट अगर फोरफीट नहीं करा कि ट्रांजेक्शन फुलफिल हो गई फिर तो सिंपल है कैपिटल गेन आएगा। अच्छा, इन्होंने 80 लाख रुपीज़ जब लिए तो वो कैसे लिए, कैश पेमेंट के थ्रू, याद रखिए कैश के पेमेंट के थ्रू लिए। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जब ये एग्रीमेंट किया गया तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 835 लाख थी। अब देखो यहाँ पर भी 50C के प्रोविजन आ रहे हैं, 50AC के क्या कहता था कि स्टैम्प वैल्यू अगर ज्यादा है तो हम स्टैम्प वैल्यू लेंगे बट 10% का डिफरेंस अलाउड होता है। बट द सेल डीड वॉज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन 14/1/2001। अच्छा, कुछ महीने के बाद अगस्त 2020 में हमने ये सोचा कि हम इसको घर बेच देंगे, बट इसका एक्चुअली रजिस्ट्रेशन हुआ, सेल डीड एग्जीक्यूट हुई 14/1/2001 को, तो मेनली यहाँ पर हम कैपिटल गेन निकालेंगे, तो 14/1/2021 को कैपिटल गेन आने वाला है। फॉर द एग्रीड कंसिडरेशन हाउएवर द स्टेट स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी हैज रिवाइज द वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पज वॉज 870 लाख। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, एक्चुअली इन्होंने सेल करा है 780 लाख में, ठीक है, जब ये एग्रीमेंट किया गया था उस समय वैल्यू थी स्टैम्प वैल्यू 835, बट बाद में जब ये एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब ये सेल डीड एग्जीक्यूट हो रही है, अब रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस हो रहा है, उस समय इसकी स्टैम्प वैल्यू है 870 लाख। तो हमें कौन सी स्टैम्प वैल्यू लेनी होती है, मेनली द डेट ऑन विच इट इज ट्रांसफर्ड, तो मेनली माना जाता है कि जब ये आप एक्चुअली इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, जब ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है तब हम आपकी स्टैम्प वैल्यू लेते हैं, तो स्टैम्प वैल्यू यहाँ पर कौन सी लिखी देखी जाएगी, 870 लाख। अब कभी कभी क्या हम डेट ऑफ एग्रीमेंट की भी स्टैम्प वैल्यू ले सकते हैं, द आंसर इज येस। ये प्रोविजन भी याद है आपको कि हम डेट ऑफ एग्रीमेंट की भी स्टैम्प वैल्यू ले सकते हैं, बट दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एक तो एक पहले आपका एक एग्रीमेंट हुआ हुआ हो, ठीक है, देयर मस्ट बी अ एग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपने जब प्रायर डेट पे जब एग्रीमेंट किया था, ठीक है, 780 लाख रुपीज में आप बेचेंगे, उसमें से या तो इतना पैसा या इसका कुछ भी पार्ट आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू मिल जाना चाहिए, ठीक है, अकाउंट पे चेक के थ्रू मिल जाना चाहिए, ECS के थ्रू मिल जाना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, इट मस्ट बी अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो हम आपकी एग्रीमेंट डेट की भी स्टैम्प वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, बट यहां पर आपने जब कुछ पार्ट 780 लाख में से 80 लाख रुपीज का जो थोड़ा बहुत आपने पार्ट ऑफ कंसिडरेशन लिया वो आपने बैंकिंग मोड के थ्रू नहीं लिया, वो आपने कैश पेमेंट लिया, तो उस केस में हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, फिर एग्रीमेंट डेट की वैल्यू नहीं लेके ली जा सकती, उस केस में तो हम रजिस्ट्रेशन डेट की ही वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो 870 लेंगे। अब देखिए डिफरेंस देखिए, एक्चुअल सेलिंग प्राइस SSC क्या बोल रहा है, मैंने 780 लाख में बेचा, ठीक है, इसमें 10% और ऐड कर लीजिए, एक काम कीजिए इसका 110% निकाल कर देख लीजिए, ठीक है, तो 780 का हम 110% करते हैं, 780 into 110% ये आ जाता है
858 लाख, ठीक है, 858 लाख। अगर आपकी स्टैम्प वैल्यू 858 लाख या उससे कम है फिर तो हम इतना अलाउ कर देंगे, बट अगर इससे ज़्यादा है फिर हम ये नहीं लेंगे, फिर एक्चुअल स्टैम्प वैल्यू लेंगे। अब 850 लाख, एक क्या 858 लाख स्टैम्प वैल्यू? द आंसर इज नो सर, उससे ज़्यादा है, यानी कि द डिफरेंस हेयर इज मोर देन 10%। तो इस केस में तो हम स्टैम्प वैल्यू 870 लाख को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेकर चलेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया। और इन्होंने मिसेज मुक्ता पेड ब्रोकरेज 1% ऑन सेल कंसिडरेशन। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमने सेलिंग प्राइस माना है, ठीक है, डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी है, उसी का 1% ले लेते हैं। पर प्लीज ये गलती मत कीजिएगा, यहां पर एसएससी ने जब 1% ब्रोकरेज के पैसे पे किए होंगे ब्रोकर को, तो 1% किसका किया होगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस का। तो प्लीज 780 लाख का 1% लीजिएगा आप, ठीक है, 780 लाख का 1% एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में। सब्सिक्वेंट टू सेल, अब देखिए और भी आगे बातें बोल रहे हैं, यहां तक तो कैपिटल गेन आ जाएगा, अब देखिए एग्जम्पशंस की बातें बोलेंगे। Subsequent to sale, Mrs. Mukta made the following investment. Acquired a residential house at Delhi for rupees 130 lakh on 31/5/2021. अब देखिएगा, इन्होंने एक घर बेचा है अभी और दूसरा घर खरीद लिया दिल्ली में, यानी कि सेक्शन 54 की यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगी, 54 की यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगी। Acquired a residential house at Australia for 290 lakh on 3/3/2021, यानी कि दूसरा घर भी खरीद लिया। अच्छा, क्या हम दो घर खरीद सकते हैं सेक्शन 54 में? द आंसर इज यस, हम दो घर खरीद सकते हैं, ठीक है, बट अगर हमारा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं आ रहा तो हम दो घर भी खरीद सकते हैं। बट क्या यहां पर ये दोनों घर अलाउड हो जाएंगे? द आंसर इज नो, आपको जो घर खरीदना है 54 की अगर एग्जम्पशन लेनी है, ठीक है, 54 की अगर एग्जम्पशन लेनी है, दैट रेजिडेंशियल हाउस मस्ट बी परचेस्ड इन इंडिया, इंडिया में खरीदा गया हो, तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो घर है ये तो हम अलाउ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दिल्ली वाले घर के लिए एग्जम्पशन हम लोग दे सकते हैं। और बताइए 54 में हमारी टाइम लिमिट क्या होती है घर खरीदने की या घर बनाने की? ठीक है, मेनली 3 साल मिलती है, अगर घर परचेज करना है तो 1 साल पहले, 2 साल के बाद तक, कंस्ट्रक्शन करना है तो 3 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं, बट ड्यू डेट तक आपको ये एश्योर कराना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर आपने ड्यू डेट तक घर खरीद लिया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे तो ROI की ड्यू डेट तो अभी जुलाई वगैरह में आएगी, उससे पहले ही आपने घर खरीद लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज कैपिटल गेन स्कीम में आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना होता, ठीक है, ये बातें भी याद आ गई। ओके, तो यहाँ पे 54 की सेकेंड वाले पॉइंट तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर 54 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब्ड टू NHAI कैपिटल गेन बॉन्ड्स अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 54EC। देखो 54EC क्वेश्चन ने बोल ही दिया, अदरवाइज आपको ये याद होना चाहिए 54EC वाला। हम बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं, कितने दिन के अंदर बॉन्ड्स खरीद सकते हैं? फर्स्ट थिंग याद कर लीजिए, 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही आपने कैपिटल एसेट अपना ट्रांसफर करा, विद इन 6 मंथ्स आपको ये बॉन्ड्स खरीद लेने चाहिए। यहाँ पे कैपिटल गेन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि कैपिटल गेन में इन्वेस्ट करेंगे इससे अच्छे तो डायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें ना, तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर। अगर आपने 6 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट किया तो हम उसको अलाउ नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, 50 लाख की मैक्सिमम आप एग्जम्पशन ले सकते हैं, 50 लाख से ज़्यादा की नहीं मिलती। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ज़्यादा किया है तो हम 50 लाख तक ही आपको एग्जम्पशन दे पाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली कैपिटल गेन से ज़्यादा तो मिलेगी नहीं। सब्सक्राइब टू NHAI बॉन्ड्स, 47 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट करें 29/3/2021 को, और 50 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी 12/5/2021 को। अब जरा देखते हैं घर ट्रांसफर कब हुआ? 14/1/2021 को, जनवरी में ट्रांसफर हुआ, और विद इन 6 मंथ्स ही आपने दोनों इन्वेस्टमेंट कर दी, 6 मंथ्स ही कर दी, ये अच्छी बात है। बट आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है 47 + 50, 97, मैक्सिमम कितनी लेंगे? 50 लाख मैक्सिमम एग्जम्पशन लेंगे। आगे लिखा है कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, द चॉइस ऑफ एग्जम्पशन मस्ट बी इन द मैनर मोस्ट बेनिफिशियल टू द एसएससी, ठीक है, और CII आपको दिया गया है। क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तो नहीं मतलब ठीक है क्वेश्चन। चलिए प्रेजेंटेशन देखिएगा, सबसे पहले आप लोग बता दीजिएगा कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी लेनी है, तो दैट इज 870 लाख, और उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा कि आपने 870, या तो आप वर्किंग नोट बना के कर दीजिए या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपने 870 लाख क्यों ली है, ठीक है, बिकॉज हम एग्रीमेंट डेट की नहीं ले सकते थे, कैश में पैसे रिसीव हुए थे, दूसरा 10% से ज़्यादा का डिफरेंस था, दैट इज द रीज़न कि हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प वैल्यू ली है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे आप लोग, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वेकेंट लैंड की थी 80 लाख प्लस 10% हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हुए थे, 88 लाख का इंडेक्सेशन कीजिएगा, और बिल्डिंग के लिए खर्चा हुआ 100 लाख का, उसका भी इंडेक्सेशन कीजिएगा,
ठीक है, तो यू हैव द सीआई, आप आराम से इंडेक्सेशन कर पाएंगे, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई है और 1% हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं. प्लीज 1% ऑफ क्या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है या फिर जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 780 लाख, उसका 1% ले लेंगे. सो दिस वॉज योर कैपिटल गेन. तो 381.07 लाख कैपिटल गेन आया, मैंने रुपीज इन लाख्स लिए हैं. उसके बाद वी हैव टू एग्जम्पशन, सेक्शन 54 की एग्जम्पशन लेनी है और 54EC की एग्जम्पशन लेनी है. तो 54 में दो जगह पर, दो घर में हमने इन्वेस्टमेंट किया था, बट हम दूसरा घर ले नहीं पाएंगे. ठीक है, फर्स्ट रीजन तो बहुत आसान है कि हमारा वो आउटसाइड इंडिया था, तो वो तो अलाउड बिल्कुल भी नहीं होगा. तो सिर्फ दिल्ली वाला घर अलाउड हो जाएगा 130 लाख का. ठीक है, तो 130 लाख आपका यहाँ पर मिल जाएगा. 54EC 6 मंथ्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, वो भी अच्छी बात है, बट वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, कितनी ज़्यादा थी, 50 लाख से ज़्यादा की थी. तो दैट इज़ द रीज़न कि हम सिर्फ 50 लाख तक ही एग्जम्पशन दे पाएंगे. ठीक है, तो 381 माइनस 130 माइनस 50, उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है. ठीक है, दिस इज चार्जेबल अंडर सेक्शन 112 भी जानते हैं आप लोग, अगर सेक्शन याद नहीं है तो इट्स ओके. ठीक है, 112 में आता है. 112A होता है क्या? नहीं, वो तो शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स का होता है, अगर वो RSE पर बेची जाती हैं तो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 स्लम्प सेल का क्वेश्चन रहेगा ये. मिस्टर कौशल, स्लम सेल का सेक्शन अगर आपको याद आता है तो 50B है. मिस्टर कौशल, अ प्रोप्राइटर हैज ट्रांसफर्ड हिज यूनिट सी टू मिस्टर प्रशांत बाय वे ऑफ स्लम्प सेल ऑन December 7, 2020. समराइज बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट इज गिवन बिलो. तो मिस्टर कौशल ने अपनी एक यूनिट बेच दी है, तो इनके पास शायद 3 यूनिट्स हैं, यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी. तो आउट ऑफ विच इन्होंने अपना एक पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग यूनिट सी इन्होंने बेच दिया है. तो इट्स अ केस ऑफ स्लम सेल. स्लम सेल में याद कर लीजिएगा सेक्शन 50B क्या कहते हैं, जितने में आपने बेचा दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. वो आपकी तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होती है, बट इसमें हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लेते. इस केस में हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्थ. तो हम लोग नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग निकालते हैं कि जो भी आपने स्लम सेल में आपने ट्रांसफर किए हैं असेट्स, उसकी नेटवर्थ कितनी थी. तो नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, टोटल असेट्स, उस पर्टिकुलर यूनिट्स के टोटल असेट्स माइनस योर लाइबिलिटीज, माइनस जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो माइनस करते हैं. असेट्स लेते समय ध्यान रखना होगा आपको कि अगर आपने किसी भी असेट का रिवैल्यू करा है तो वो रिवैल्यूएशन वाला पार्ट नहीं देखते, उसको इग्नोर करते हैं, तो रिवैल्यू नहीं देखा जाएगा. और जो आपके असेट्स होते हैं अगर वो डेप्रिशिएबल असेट्स हैं तो एज पर सेक्शन 32 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि फिक्स असेट्स हमारे पास थे यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी. तो हमें सिर्फ यूनिट सी के लेने हैं, 950 लाख के थे ये असेट्स. अदर असेट्स थे हमारे यूनिट सी के 490. अभी मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बट ऑन द प्राइमा फेसी 50B को कैसे करते हैं स्लम सेल को. तो हमारे टोटल यूनिट सी के असेट्स थे 950 प्लस 490 और माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये तो कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व है वो तो नहीं लेते, माइनस करते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज. तो यूनिट सी की आउटसाइड लाइबिलिटीज 340 थी. अब देख लेते हैं कि अगर हमें कुछ रिवैल्यूएशन वगैरह के बारे में पॉइंट बोलेगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने असेट्स को चेंज करेंगे. ओके, अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है स्टैम्प स्लम सेल कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट सी वॉज 1540. तो ये तो हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गई 1540. फिक्स असेट्स ऑफ यूनिट सी इंक्लूड्स लैंड विच वॉज परचेस्ड at ₹90 lakh in the year 2008 and was revalued at 180 lakh. अब देखो land is not a depreciable asset. ठीक है, land के ऊपर depreciation वगैरह लगता नहीं है, but आपने इसको revalue किया था. ठीक है, actual इसकी value 90 lakh rupees की थी, but आपने इसको books में 180 लिखा हुआ है, यानी कि जो 90 lakh rupees है आपने extra लिखे हुए हैं. तो 90 lakh जो आपने extra लिखे हुए हैं तो please उसको हटा दीजिएगा. तो यहाँ पर जो 950 लाख है उसमें से लैंड भी होगा आपका. ठीक है, इसमें लैंड आपने गलती से 180 लिख लिया था जिसमें से 90 ठीक नहीं है, तो इसमें से 90 माइनस करना पड़ेगा इसमें से. ठीक है, का समझ में आता है. मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यूनिट सी में ना जो फिक्स असेट्स दिए गए हैं इसमें 180 का आपने लैंड की वैल्यू लिख रखी होगी और 950 माइनस 180 770 के आपके अदर फिक्स असेट्स होंगे. 770 लाख के आपके अदर फिक्स असेट्स होंगे, अदर फिक्स असेट्स. तो अदर फिक्स असेट्स में तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 770 ठीक है, बट 180 में प्रॉब्लम है. 180 रिवैल्यूड फिगर है. ठीक है, हमें इसको चेंज करके इसको वापस अपनी ओरिजिनल फिगर में लेना होगा. तो इसमें से 90 एक्स्ट्रा है वो माइनस कर दीजिएगा. तो कुल मिला के हमने 770 को कोई टच नहीं किया है, बट 180 में से 90 माइनस किए हैं. आगे लिखा हुआ है अदर फिक्स असेट. अच्छा, अदर फिक्स असेट 770 के बारे में भी कुछ बातें बोल रहे हैं. अदर फिक्स असेट्स आर रिफ्लेक्टेड एट 770. समझ में आता है हमें 770 कैसे आ रहा होगा. ठीक है, क्लियर है ना, ये रहा 770.
दैट इज 950 माइनस वैल्यू ऑफ लैंड, लैंड की वैल्यू माइनस करने के बाद 770 आता है, विच रिप्रेजेंट्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दोज असेट्स एज पर बुक्स. द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दीज असेट्स इज 630 लाख एज पर इनकम टैक्स एक्ट. अच्छा, ये भी बात समझ में आती है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू होनी चाहिए जब डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 लगाते हो, इसकी वैल्यू 770 नहीं होनी चाहिए, 630 होनी चाहिए. तो वी हैव टू कंसिडर 630. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, जब आप अपने फिक्स असेट्स नेटवर्थ निकालेंगे और अपने टोटल फिक्स असेट्स देखेंगे इस यूनिट के, तो अपनी लैंड की वैल्यू प्लीज 90 लाख ही देखिएगा, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी विदाउट एंड विदाउट गिविंग दैट रिवैल्यूएशन वाला इफेक्ट, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा इस रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को. तो लैंड की वैल्यू 90 लेनी है और अदर फिक्स असेट्स की वैल्यू आपको 630 लेनी है, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो आपकी रिटर्न ऑन वैल्यू आती है. तो 90 प्लस 630 ये तो आपके असेट्स हुए यूनिट सी के फिक्स असेट्स, और 490 अदर असेट्स हो जाएंगे यूनिट सी के, और माइनस योर लायबिलिटीज हो जाएगी. और देख लेते हैं इसमें और कोई इंफॉर्मेशन है क्या. यूनिट सी वाज सेट अप बाय मिस्टर कौशल इन दिसंबर 2006. अब दिसंबर 2006 इतनी पहले, ठीक है, 3 साल पुरानी है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना है. दूसरी बात याद कर लीजिएगा, जब आप नेटवर्थ निकालते हैं तो क्या उसका इंडेक्सेशन करते हैं? द आंसर इज नो, ठीक है, उसका कोई इंडेक्सेशन नहीं होता. 50B में स्लम सेल का कोई इंडेक्सेशन नहीं होता. तो यू हैव टू कैपिटल कैलकुलेट कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ द असेसी. और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिए गए हैं, बट हमारे कुछ काम के नहीं है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, बिकॉज 50B में स्लम सेल में देयर वुड बी नो इंडेक्सेशन. ठीक है, प्रेजेंटेशन देखिएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिया गया है 15,40,00,000 रुपीज का. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेनी है आपको? नेटवर्थ. तो नेटवर्थ के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. तो एक नोट बना लीजिएगा नेटवर्थ के लिए, उसमें हम टोटल असेट्स देखते हैं हमारे कितने थे. तो लैंड की वैल्यू प्लस अदर असेट्स की वैल्यू, तो लैंड की वैल्यू हम ओरिजिनल वैल्यू ली 90 लाख, अदर असेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएटेड वैल्यू एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, 6.3 करोड़. अदर असेट्स की तो वो बुक वैल्यू ले ली, अदर लाइबिलिटीज माइनस करी. ये सारी चीज़ें किसकी थी? यूनिट सी की, सिर्फ यूनिट सी की जिसको आप डिस्पोज कर रहे हो. तो नेटवर्थ इज 8.7. तो इस नेटवर्थ को माइनस कीजिएगा. देर वॉज नो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं थे. एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर अगर होते तो वो ले सकते थे आप लोग. तो दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. क्यों? क्योंकि 2006 था ना, दिसंबर 2006 बहुत पुराना है, तो 3 साल से ज़्यादा पुराना है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने वाला है. ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3 स्लम सेल के बारे में था. ये सारे नोट्स दिए गए हैं, यू कैन रेफर दिस फाइल ऑल्सो. ये आपको इसका लिंक मिल जाएगा फाइल का, डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे शेयर्स के बारे में या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स के बारे में बातें करनी है. स्पेसिफिकली मुझे 112A डिस्कस करना है आपके साथ. ठीक है, अगर कोई भी आपके पास शेयर्स थे जो आपने स्टॉक एक्सचेंज से जिस पर STT पे हुआ था, ठीक है, 1 फरवरी 2018 से पहले वाले, तो आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होते थे. अगर आपको पता है तो 1038 सेक्शन हुआ करता था, नहीं पता तो भूल जाइए, ठीक है, आपके लिए नहीं है वो. ठीक है, पर 2018 के बाद ये चेंज किया गया लॉ, उसमें ये बोला गया कि आप लॉन्ग टर्म शेयर्स अगर बिकते भी हैं तो उसके ऊपर हम कैपिटल गेन लगाते हैं, बट 10% का. 112A कहता है कि आपके ऊपर 10% का कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल गेन का रेट होगा 10%, और इसमें से 1 लाख की आपको पता है एग्जम्पशन भी मिल जाती है. तो जितना 112A का कैपिटल गेन आता है उसमें से 1 लाख को हटा दीजिए, उसके बाद 10% लगा दीजिएगा. याद आ गई बात है 1 लाख वाली. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 सेज मिस्टर सौरभ प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिगार्ड टू सेल ऑफ सर्टन सिक्योरिटीज बाय हिम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021. Sold 10,000 shares of A Limited on 5/4/2020. ठीक है, तो इस साल इन्होंने 10,000 shares बेचे at rate of 650. ये हमारा full value of consideration आ गया shares का. A Limited is a listed company. These shares were acquired by Saurabh on 5/4/2016 at rupees 100 per share. अब देखो 2016 में इन्होंने shares खरीदे थे, यानी कि हमारा 1 फरवरी 2018 से पहले के shares खरीदे गए हैं. तो इसके लिए हम इसकी कॉस्ट कितनी लेंगे? 100. नहीं, ठीक है, हम इसकी कॉस्ट कितनी लेते हैं? हायर ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, ये याद कर लीजिए, बस ये मेन चीज है. 112A निकालते समय आप इसकी कॉस्ट क्या लेते हैं, जिसको हम एक अगर आपने नाम सुना होगा, इसको हम ग्रैंडफादरिंग प्रोविजंस भी बोलते हैं, पर छोड़ दीजिए अभी नाम को. बट ये याद रखिएगा, हायर ऑफ द फॉलोइंग्स की कॉस्ट लेते हैं. कितनी लेंगे? जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी आपको वो लेनी होती है. और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू क्या थी एज ऑन 31 जनवरी 2018, विच एवर इज आपको हायर लेना पड़ता है. तो इन दोनों में से ये दोनों चीजों को कंपेयर करिए, एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, विच एवर इज हायर. दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
जब आप ये फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे 31 जनवरी 2018 की, इसको चेक कर लीजिएगा कि ये सेलिंग प्राइस से ज्यादा ना हो, जो आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है ना, कहीं उससे ज्यादा ना हो। मतलब हम आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं कि आप फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 की ले सकते हैं, बट आप इतना ज्यादा अननेसेसरी बेनिफिट मत ले लीजिएगा कि आपके लॉसेज आ जाए। ठीक है, ये कहते हैं जो आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उससे ज्यादा नहीं लेनी। तो एक तरीके से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 और एक्चुअल सेलिंग प्राइस, इन दोनों में से तो लोअर लेना पड़ता है, फिर उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कीजिए, विच एवर इज हायर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लिखा हुआ एसटीटी वॉज पेड बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। हमारी 112A की कंडीशन भी मीट आउट हो गई है। ठीक है, एसटीटी दोनों समय पे हुआ और 31 जनवरी 2018 का द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड वर ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एज अंडर। अब देखो फेयर मार्केट वैल्यू इन्होंने 31 जनवरी 2018 की तो दी है, बट इनडायरेक्टली बोली है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि डायरेक्टली आपको बोल देता कि फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 कितनी है, बट इन्होंने बोला कि आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उसमें से आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू है। तो जिस दिन 31 जनवरी 2018 को जब शेयर्स ट्रेड हो रहे थे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर, NSE, BSE या किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर, उस समय इसका हाईएस्ट प्राइस पर जो ट्रेड हुआ वो 300 पर शेयर ट्रेड हुआ, एवरेज प्राइस 290 था, लोएस्ट प्राइस 280 था। ये बात समझते हैं ना, पूरे दिन जैसे स्टॉक एक्सचेंज चलती है, मार्केट चलती है, तो शेयर्स अप एंड डाउन होते हैं, तो बाद में एंड ऑफ द डे पता चलता है कि हाईएस्ट प्राइस कब किस पॉइंट तक गया, लोएस्ट प्राइस सबसे नीचे किस पॉइंट तक था और ऑन एन एवरेज प्राइस क्या था। तो इस केस में हमें बताया गया है कि जो आपका हाईएस्ट प्राइस होता है दैट वुड बी योर फेयर मार्केट वैल्यू, उसको हम फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। तो हम 300 पर शेयर को मार्केट वैल्यू लेने वाले हैं। अब देख लीजिए, सिंपल हो गया क्वेश्चन। इनफैक्ट आप इतना कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन काफी सारी चीज समझ में आ जाएंगी आपको। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ, मैं एक शेयर से बता देता हूँ, ठीक है, मैं एक शेयर से बता देता हूँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने का बेचा, 650 का, ठीक है, इंटू 10,000 है वैसे, बट सिर्फ एक शेयर से देख लेते हैं। 650 का आपने बेचा, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेनी है, बस कॉस्ट का ही बस ध्यान रखिएगा आप। कॉस्ट कितनी लेनी है सर, इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो 100 थी, हमें क्या करना है 100 और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी 300 290 280 300 300, विच एवर इज हायर 100 और 300, विच एवर इज हायर, तो 300 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, जब आप ये 300 वाली वैल्यू पिक कर रहे होंगे उस समय एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस से ज्यादा तो नहीं है। तो एक तरीके से आपको क्या देखना है, जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी और इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब 300 और 650, ये 650 विच एवर इज लोअर लेना है, पहले इन दोनों में से लोअर लेना है। तो 300 और 650 में से लोअर 300 ही आ गया, तो 300 और 100, ठीक है, विच एवर इज हायर 300, तो 650 माइनस 300 ये आपका कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा अंडर सेक्शन 112A, एक शेयर के ऊपर 10,000 के ऊपर इंटू 10,000 आप कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू, सोल्ड 1000 यूनिट्स ऑफ बी म्यूचुअल फंड ऑन 24/2020 फॉर ₹50 पर यूनिट। बी म्यूचुअल फंड इज अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, सेम कंसेप्ट रहेगा इक्विटी शेयर से, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स का। दीज यूनिट्स वर एक्वायर्ड बाय सौरभ ऑन 15/4/2017 फॉर ₹10 पर यूनिट। एसटीडी वाज पेड ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर भी होगा तो इट्स ओके। ऑन 31/1/2018 इसकी नेट एसेट्स वैल्यू, मतलब इसकी यहाँ पर फुल फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है ₹55। तो कैसे करना है आपको, अब देख लीजिए, एक यूनिट के लिए मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। आपने इसको बेचा ₹50 का, इंटू 1000 कर लीजिएगा, एक यूनिट के लिए सिर्फ ले रहा हूँ 50। कॉस्ट कितनी लेंगे, जितनी इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 10 रुपीज़ और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 55, विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर या हायर, विच एवर इज हायर, ठीक है, ये बेनिफिट दे रहे हैं हम लोग इसको कि हम फेयर मार्केट वैल्यू 2018 की ले सकते हैं, जनवरी 2018 की, 31 जनवरी। तो 10 और 55 विच एवर इज हायर, बट प्लीज ध्यान रखिएगा, तो क्या 55 ले लेंगे, नहीं, क्या लॉस आ जाएगा इसकी वजह से, हायर लेने की वजह से लॉस आ जाएगा क्या, ये बातें हम लोग रेगुलर क्लास में कंसेप्चुअली वगैरह देखते हैं, बट अभी आपको याद आ गए होंगे बातें, तो नहीं, उस केस में ये इतना नहीं ले सकते। हम क्या लेंगे, हमेशा क्या कहते हैं कि जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है 10, इसको कंपेयर कीजिएगा इसकी फेयर मार्केट वैल्यू से, वो थी 55, बट फेयर मार्केट वैल्यू और इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 50, पहले तो 55 और 50 विच एवर इज लोअर कर लीजिए, तो इसमें से निकल के आया मेरे पास 50 और एक्चुअल कॉस्ट 10 और 50 विच एवर इज हायर, यानी कि 50 आएगा। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस भी 50 है और इसकी कॉस्ट भी 50 ही
मिल गई हमें, तो इसके ऊपर तो कोई कैपिटल गेन आ नहीं रहा, एक शेयर के ऊपर नील आ रहा है, 1000 शेयर्स के ऊपर भी नील आने वाला है, ठीक है, तो इसके ऊपर तो नील आएगा। थर्ड पॉइंट, सोल्ड 100 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड ऑन 25/4/2020 एट रेट ऑफ 200 पर शेयर, ठीक है, तो 100 शेयर्स भी बेचे हमने सी लिमिटेड के। सी लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी, क्या इसके ऊपर आप 112A लगा पाओगे? द आंसर इज नो। 112A क्यों नहीं लगा पाएंगे? ये तो अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, 112A तो तब लगता है कि जब स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांजेक्शन हुई है, बट यहाँ तो ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं हुई, ये नॉर्मल आप कैपिटल गेन निकालेंगे। इसके ऊपर तो इंडेक्सेशन भी होगी, 112A में इंडेक्सेशन नहीं होती, बट यहाँ पर तो इंडेक्सेशन भी होगी। तो दीज शेयर्स वर इशूड बाय द कंपनी एज बोनस शेयर्स, यानी कि ये बोनस शेयर्स बेचे हैं। अब बोनस शेयर की कॉस्ट कितनी होती है? जीरो, नल। बट याद कर लीजिएगा, अगर बोनस शेयर्स हमें अलॉट हुए थे 1/4/2001 से पहले के, ठीक है, पुराने बोनस शेयर्स हैं, तो हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 ले लेते हैं। तो ये 97 में हमें अलॉट हुए थे, यानी कि बहुत पहले, तो हम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। तो कितने का बेचा आपने? 200 रुपीज़ का, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 रुपीज़ है, तो कितना आएगा? 200 - 50, ठीक है, 150 का कैपिटल गेन नहीं, 50 रुपीज़ का इंडेक्सेशन खींचेगा, 50 रुपीज़ का आप लोग इंडेक्सेशन करेंगे और फिर कैपिटल गेन आएगा। ये जो हमें CII दिया गया ना, ये सिर्फ थर्ड वाले में काम आने वाला है, बाकी हम फर्स्ट और सेकंड में जानते हैं कोई इंडेक्सेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी दे दिए, पहले 10,000 शेयर्स के ऊपर निकाल लीजिएगा, फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ऊपर तो हमें पता था नील आया था, ठीक है, देख लीजिए करने ला रहा है यहाँ पर, और फिर शेयर्स के लिए तो जो बोनस शेयर्स हैं वो तो अनलिस्टेड थे, 112A नहीं लगेगा, उसके ऊपर आप लोग इंडेक्सेशन भी कर लीजिएगा, उसका 4950 आया। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया सिंपल वाला, ठीक है, 20%, इसके ऊपर तो 20% टैक्स जाएगा, और बाकी के ऊपर जो कैपिटल गेन आया 112A वाला, उसके ऊपर 10% टैक्स जाएगा, ठीक है, और बट उसमें से 1,00,000 रुपीज़ माइनस कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछ के रहा था, कैलकुलेट द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड ऑल्सो कैलकुलेट टैक्स ऑन सच कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स भी निकालना है, तो आप जानते हैं 10% निकालना है 112A के ऊपर 1,00,000 माइनस करने के बाद, और बाकी के ऊपर 20% निकालना है। Assuming that the other income of Mr. Saurabh exceeds the maximum amount not chargeable to tax, तो वो साफ साफ बोला है कि एज्यूम कर लेना कि मिस्टर सौरभ की दूसरी भी इनकम है, ठीक है, और दूसरी इनकम भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, हम पे साफ साफ लिखा हुआ, इट एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि अगर हमारी सिर्फ यही इनकम होती और कोई इनकम नहीं होती, और हमारी नॉर्मल इनकम अगर कम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो आपको पता है कि जितनी हमारी अनएग्जॉस्टेड रह जाती है, रेसिडेंट इंडिविजुअल वगैरह के लिए आपको पता है कि जितनी अनएग्जॉस्टेड रह जाती है, फिर हम वो मूव करते हैं। याद आता है ना कि जब कभी भी हम टैक्स निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे स्पेशल इनकम कितनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 111A कितना है, 112A कितना है, आगे बातें याद है आपको, ठीक है, कैजुअल इनकम कितनी है और नॉर्मल इनकम कितनी है। अगर नॉर्मल इनकम हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये कम है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम रेसिडेंट होते, तो अगर ये कम है, तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इसको यहाँ पर सेट ऑफ भी करते हैं, मतलब यहाँ से इसको मूव भी करते थे। तो यहाँ पर हमारी ये कहता है कि अदर इनकम हमारी अच्छी खासी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसके ऊपर कैपिटल गेन निकाल दीजिएगा 10% और 20%। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा 112A में कैपिटल गेन आ रहा था 35 लाख, उसमें से 1,00,000 रुपीज़ माइनस कीजिएगा, तो 34 लाख के ऊपर 10% आएगा इतना, और बाकी जो हमारा नॉर्मल कैपिटल गेन था उसके ऊपर तो 20% आएगा, तो इतना टैक्स आया प्लस सेस, ये बिफोर सेस आया, इसके ऊपर सेस ऐड करेंगे। लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि सेस को इग्नोर कर दीजिएगा, इसलिए सेस कैलकुलेट नहीं किया गया, ठीक है। सो दीज वर द प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करने के थे आपके साथ कैपिटल गेन में। मैं चाहूँगा कि आप कुछ कंसेप्ट और रिवाइज कीजिएगा कैपिटल गेन के, स्पेसिफिकली कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और क्वेश्चंस आ जाते हैं कंपलसरी एक्विजिशन के, ठीक है, जहाँ पर आपको कंपनसेशन देती है गवर्नमेंट, तो उस केस में कैपिटल गेन कब निकालेंगे? जब एक्चुअली कंपनसेशन हमें रिसीव होती है। अगर इनहेंस कंपनसेशन हो जाए तो फिर दोबारा से कैपिटल गेन निकलता है। वो बातें भी मैं चाहूँगा कि वो बातें भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इनकेस अगर आपको चार्ट रिविजन करना है कैपिटल गेन का, तो देयर इज़ अ वीडियो, ठीक है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा आपको, तो यू कैन गो टू दैट वीडियो ऑल्सो इनकेस अगर आपको चार्ट रिविजन करना है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैं सोच रहा हूँ हम लोग डिडक्शन शुरू करेंगे, ठीक है, डिडक्शन कर लेंगे, फिर TDS कर लेंगे, TDS एंड TCS, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।